हाय, आई एम डॉक्टर नवीज फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो टीम। आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट। सो हमारे साथ एक हमारे क्रॉस लेंथनिंग के पेशेंट हैं जिन्होंने 15 सेंटीमीटर अचीव किया है। सो इन्होंने 8 सेंटीमीटर फीमर में किया है और 7.5 सेंटीमीटर टिबिया में अचीव किया है। तो आइए जानते हैं कि इनका जर्नी अभी तक कैसा रहा है। ओके, सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं स्टार्टिंग में, सबसे पहले तो एज यूजुअल कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक थोड़ा सा फियर तो फॉर श्योर होता ही है कि मतलब कैसा जाएगा, क्योंकि हम एक सर्जरी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, हम सर्जरी करके अपनी हाइट बढ़वा रहे हैं एंड सर्जरी का नाम लेते ही थोड़ा डर तो फॉर श्योर लगता ही है कि यार मतलब क्या क्या होगा, सर्जरी है, कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। बट जब जैसे ही आप कंसल्टेशन के लिए आओगे, जैसे मुझे याद है कि मैं जब कंसल्टेशन के लिए आया था, तब जब आप पेशेंट से मिलोगे, आप गेस्ट हाउस में आएंगे, तब आप इतने लोगों को देखोगे, जब आप उनसे मिलोगे कि हाँ ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें पॉसिबल हैं। सबसे पहला तो सर मतलब एक ये होता है कि जब हम यूट्यूब पे देखते हैं, जब मैंने भी देखा था, तो ये चीज होती है कि यार सच में है भी या नहीं, है ना। बहुत लोगों के ये होता है कि यार मतलब ऐसा ही तो नहीं है, कहीं पागल तो नहीं बना रहे हैं, है ना, कि मतलब YouTube पे सिर्फ वीडियोस डाल रहे हैं, असलियत में ऐसा होता भी है या नहीं होता है सच में। तो जब हम कंसल्टेशन के लिए आते हैं, एक्चुअल में माइंड तो तब बनता है जब हमें पता चलता है कि हाँ ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें हो रही हैं, लोग करवा रहे हैं एंड सक्सेसफुली चीजें प्रोसीड हो रही हैं आगे, राइट। तो जब आप कंसल्टेशन के लिए आओगे तब आपको पता चलेगा, एक्चुअल में आपको फील होगा कि यस, कि ये चीजें हो रही हैं और आप भी ये करवा सकते हैं। तो इफ यू आर अ पर्सन की जो देख रहा है ना, कि यूट्यूब पे काफी टाइम पे आप देख रहे हो और आप करवाना चाहते हो, सो आई विल सजेस्ट, मैं अपनी तरफ से एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, कम फॉर कंसल्टेशन। आप एटलीस्ट एक बार कंसल्ट करें, आप आए, आप विजिट करें एक बार, जब तक आप, क्योंकि देखोगे नहीं ना तब तक आपका माइंड नहीं बनने वाला, तब तक सिर्फ आपके माइंड में एक कहेंगे एक हवा रहेगा कि यार होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कुछ गलत ना हो जाए, है ना, एंड कैसे हम विश्वास करें, कैसे हम जाएं, कैसे क्या करें, इतने पैसे लगेंगे। बट जब आप आओगे ना एक्चुअल में, तब आप फील कर पाओगे कि हाँ ये वर्थ इट है या नहीं है। तो मेरे साथ भी वही चीज हुई, जब मैं आया तब मुझे ये चीज फील हुई कि हाँ यार लोग करवा रहे हैं, अगर इतने लोग करवा रहे हैं तो व्हाई डोंट मी, अगर इतने सारे लोग करवा रहे हैं तो मैं भी करवा सकता हूँ ना। एंड एक सबसे बड़ी चीज होती है, आप मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, क्योंकि जो भी पर्सन ये देख रहा है तो फॉर श्योर मतलब वो कहीं ना कहीं तो सफर कर ही रहा है ना, मतलब उसके माइंड में ये चीज है कि यार मुझे हाइट चाहिए, तभी वो यहाँ इस वीडियो को देख रहा होगा, इस टाइम हमें सुन रहा होगा। तो एक चीज होती है कि यार इफ यू रियली वॉन्ट ना, कि तुम चाहते हो, यस आई वॉन्ट दिस, मुझे हाइट चाहिए ही चाहिए, आओ देखो एक बार, कंसल्ट करो, राइट। मैं शायद इतना श्योर कर सकता हूं अपनी तरफ से जस्ट एज अ पेशेंट, राइट, कि आप शायद एक डिससेटिस्फेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट के फेस के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाले यहां से, राइट, आप एक सेटिस्फाइड फेस के साथ जरूर जाओगे सिर्फ कंसल्टेशन में ही, कि यार हाँ मतलब समथिंग इज गुड, कुछ है, हो रहा है, हमारा भी हो सकता है, राइट। तो एक ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि यार सर हम सफर करते हैं कहीं ना कहीं लाइफ में, कहीं ना कहीं एक माइंड में होता है कि यार वी वॉन्ट दिस, है ना, कि हम शायद लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हम पीछे रह रहे हैं, चाहे हम सोशल लाइफ की अपनी बात करें, चाहे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो कहीं ना कहीं हम शायद थोड़ा बहुत हम पीछे फील करते हैं कहीं ना कहीं, यार कि काश अगर हाइट होती तो ये बेटर होता। तो अगर आप में किसी का ये है तो फॉर श्योर आप आओ, ठीक है, एंड आके आप विजिट करो तो आपको पता चलेगा। एंड अगर मैं अपनी ओवरऑल जर्नी की बात करूं तो सी इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, सबसे पहली चीज ये होती है, है ना, कि आपकी एज क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, है ना, साइकोलॉजी आपकी क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि यार मेरी तो बहुत स्ट्रांग रही, मैं तो बहुत मतलब इतने महीने मेरे बहुत अच्छे से निकल गए, तो और ये सिर्फ आपके साथ ही ऐसा हो, ये नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक माइंडसेट आपको चाहिए, आपको साइकोलॉजी, आपको आपकी प्रॉपर बिल्डअप होनी चाहिए कि यस आई एम रेडी, राइट, कि हाँ मैं तैयार हूं, जो भी चीज हो आई एम रेडी फॉर इट। तो अगर आपका माइंडसेट है प्रॉपर, आपका माइंडसेट बिल्डअप है, स्ट्रांग माइंडसेट है, आपकी साइकोलॉजी इसके लिए तैयार है, तो यस यू कैन गो फॉर इट एंड फॉर श्योर। लाइक की जो छोटी मोटी चीजें होती है, लाइक पेन हो गया, है ना, एंड सफरिंग होगी, इसी ये तो पार्ट है, राइट। अगर इफ यू रियली वॉन्ट दिस, अगर चाहिए, तो वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, है ना, कुछ तो आपको सहना पड़ेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे टाइम आपको देना पड़ेगा, फॉर श्योर जो आपका टाइम है, इट्स बीन ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट अ ईयर शायद, मतलब कुछ महीनों में मुझे साल हो जाएगा, राइट, बिकॉज आई डन क्रॉस लेंथनिंग। तो सैक्रीफाइस तो करना पड़ता है, राइट, कि जैसे मैंने अपनी लाइफ का शायद अब एक साल दे दिया, बट ये एक साल देने के बदले में जो चीज़ मुझे मिली है, राइट, वो शायद पूरी, मतलब पूरी लाइफ मैं उसके लिए थैंकफुल होने वाला हूँ, क्योंकि जो चीज़ शायद मैं कहीं से भी नहीं ले सकता था, है ना। मतलब एक कुछ चीज़ें होती हैं कि यार जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब यू वॉन्ट एट एनी कॉस्ट, आपको किसी भी कॉस्ट पे वो चीज़ चाहिए, राइट। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल है, राइट, कि अगर किसी का हाथ नहीं है, अब उसे पता चले कि हाँ उसका हाथ वापस आ सकता है, राइट, वो किसी भी कीमत पर लेने के लिए उसे तैयार हो जाएगा, नो मैटर व्हाट, कि क्या कीमत है, क्या सेक्रीफाइस है, कितना पेन है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसे दर्द पता है, वो है ना, कि यार एक हाथ ना होने का दर्द कितना बड़ा होता है, राइट। तो वही चीज है कि आप लोगों को पता है, आप वॉच कर रहे हैं, आपको पता है कि यार क्या पेन है, क्या मतलब कहीं ना कहीं आप सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं लाइफ में, तो वो चीज आप फील कर सकते हैं, राइट। तो और वो आपको पता है कि यार अगर आपको सच में चाहिए तो किसी भी कोर्स पर आप लेने के लिए तैयार हैं। और मैं इतना कहूंगा कि यार दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैंने रिसर्च करी है अपनी, राइट। आप बाकी लोगों से मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप इतनी वीडियोस भी देखते हैं हर रोज, राइट, बट मैं ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट इन होल इंडिया, राइट। मैंने रिसर्च करी है, मैंने देखा है, मैं इतने लोगों से मिला हूं, मैं इतने डॉक्टर से भी मिला हूं, राइट। बट जो फैसिलिटी आपको यहां पर प्रोवाइड होती है, कंप्लीट पैकेज आपको प्रोवाइड होता है, दैट इज वेरी नेसेसरी, राइट। उसके बिना आई डोंट थिंक कि हमने सर कितने केसेस, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया, इतने महीने हो गए, राइट, सो मतलब सुनते तो रहते ही चलते हैं, जाते भी देखा, आते भी देखा, एंड कहीं ना कहीं मतलब हमें पता भी चलता है ना, कि कहीं ना कहीं से हमें पता चलता है कि यार उस पेशेंट ने वहां से वो सर्जरी करवाई थी, क्योंकि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो हमें थोड़ा बहुत मतलब आइडिया होता है कि यार उस पेशेंट ने कहीं और से सर्जरी करवाई थी, अब वो यहाँ पर आ रहा है ना, कि मतलब उसके साथ सही नहीं हुआ, उसकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई और अब वो वापस यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो ये चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि एटलीस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही डिसीजन ले लो, बट कंसल्टेशन के लिए आओगे तो मैं कहूंगा कि शायद तुम सच में ही ऐसे डिसीजन ले लोगे जैसे मैंने लिया था, क्योंकि आपको वो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर फील होगी, एंड जो जर्नी है, जो पेन है, सफरिंग पार्ट है, एंड कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हैं एक जो मेंटल आपको एक तरीके से जो सफर करना पड़ेगा, राइट, तो वो पार्ट है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार आप उसे छोड़ सकते हैं, दैट इज नथिंग, बट वो आपको सफर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मतलब आप एक हस्ती खेलती लाइफ मतलब बाहर आप छोड़ के आप मतलब कुछ टाइम के लिए यू आर गोइंग टू पैक इन वन रूम, राइट, आप एक चार दीवारों में शायद आप रहने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो चीज है ना, कि जो कि आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा माइंडसेट से, आपको साइकोलॉजी आपको अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी कि यस, कि इसके बदले मुझे मिलने क्या वाला है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसका अगर आप सर्जरी पार्ट अगर बताना चाहें, और सर्जरी के बाद का जो आपका जर्नी है, फिजियो वाला पार्ट और आपका रिहैब वाला पार्ट, तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओके, मतलब देखो बहुत ज्यादा मैटर करती है ये चीज, है ना, कि मतलब आप सर्जरी किस डॉक्टर से करा रहे हैं, है ना, कि जो डॉक्टर्स हैं उनको कितना एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। अगर हम बात करें तो मतलब ये एक ऑर्थो सर्जरी है, राइट, कि कोई भी एक ऑर्थो सर्जन जो है वो परफॉर्म इसे कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऑर्थो सर्जन इसे परफॉर्म करने के लिए तैयार भी हो जाएगा, बट मैटर जो करता है कि उसे एक्सपीरियंस कितना है, वो चीज मैटर करती है ना, कि कोई भी ऑर्थो सर्जन आपको अगर ये कह दे कि यार आई एम अ डॉक्टर, राइट, कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है ना कि कैसे भाई मतलब करनी होती है सर्जरी, कैसे करनी है, बोन कैसे कट करनी है, एंड कैसे किस तरीके से उसे अपार्ट, इसमें टीम वर्क का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, राइट। तो ऐसे नहीं होता है कि कोई भी आपको कह दे कि हाँ मैं डॉक्टर हूं, मैं कर सकता हूं, यस, कि एज अ डॉक्टर उसके लिए हड्डी तोड़ना शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी, राइट, बट मैटर ये करता है कि आप किन प्रोफेशनल से करवा रहे हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, कितने उनके सक्सेसफुल केसेस हैं, राइट, एंड कैसे वो चीजों को हैंडल करते हैं, कि अगर कुछ चीजें बाय चांस, रेयरली चांस है ना, कि अगर कुछ कुछ गलत भी हो जाए तो वो किस तरीके से उन चीजों को हैंडल करते हैं, लाइक कि अगर हम बात करें कि छोटी मोटी चीजें होती हैं, क्योंकि आप सर्जरी प्रोसेस में जा रहे हैं, तो मतलब कुछ रेयर परसेंट चांसेस में जैसे होता है कि पिन इन्फेक्शन एंड ऑल हो गया, है ना, तो वो चीजें होती है, तो अब वो डॉक्टर एंड टीम किस तरीके से हैंडल कर रही है उन चीजों को, राइट, क्योंकि मैंने वो चीजें फेस की हैं, राइट, कि कुछ इतनी बड़ी बात भी नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि छोटी मोटी चीजों को ही हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, राइट। तो जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, आप अपने सर्जन से मिलेंगे यहां पर आकर, जैसे आप डॉक्टर हृदय से आप यहां पर आकर पहले मिलेंगे, वो आपको आपके जब आपकी मतलब सारी चीजें हो जाएंगी, जब आपका माइंड बिल्डअप हो जाएगा एंड यू आर रेडी, राइट, जब आप रेडी हो जाएंगे तो आप सर्जन से भी मिलेंगे, राइट, आप अपने सर्जन से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट, कि वो कितनी ही सर्जरीज वो परफॉर्म कर चुके हैं, कितने ही लोगों को वो देख चुके हैं, एंड वर्स्ट से वर्स्ट केसेस भी उन्होंने हैंडल किए हैं, कि जो केसेस बाहर किसी से हैंडल नहीं हुए, राइट, वो केसेस उन्होंने यहाँ पर हैंडल किए हैं। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, टीम बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज फॉर श्योर ये आपके लेग्स का फॉर श्योर की आपकी लाइफ टाइम की एक आप कह सकते हैं एक अर्निंग है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किन सर्जन से करवा रहे हैं। अब उस
उसके बाद मैटर करती है सबसे बड़ी चीज कि लोगों को लगता है कि यार मेरी तो सर्जरी हो गई, अब मैं फ्रेम लगाऊंगा, मैं घर जाके लेंथनिंग कर लूंगा, नट ही तो घुमाने है, करना क्या है, नट घुमाने है, मैं घर जाके नट घुमा लूंगा एंड अगर पेन होता है तो मैं पेन किलर ले लूंगा। बट नो, शायद आई थिंक ऐसा नहीं है, ये सबसे बड़ा एक गलत डिसीजन होता है, राइट। एंड ऐसे हमने फोरम्स में कुछ स्टोरीज भी हमने सुनी है, राइट, शायद मतलब कुछ हमने एक पेशेंट का हमने देखा था सर कि मतलब उन्होंने घर पर ही करने की कोशिश की एंड दोबारा से उन्होंने पहले पूरा प्रोसेस कर लिया, उसके बाद वापस से वो कंप्रेस हो गया उनका, क्योंकि शायद उनके डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। तो छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से अपने आप को केयर करते हैं। तो ये जो रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है कि सर्जरी के बाद, राइट, आपका जो फिजियो और आपकी डेली एक्सरसाइजेस हो रही है, राइट, कि आपको डेली आपका जो एक तरीके से टेक केयर आपको की जा रही है ना, कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उनको लेकर, क्योंकि घर पर ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आई डोंट थिंक कि दिस थिंग्स आर फ्रेम मैनेजमेंट वो पॉसिबल नहीं है, राइट। यहाँ पर टीम प्रोफेशनल्स है, यहाँ पर लोग हैं, वो बैठे हैं आपके लिए, हमारे लिए वो लोग बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डे एंड नाइट कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज, आपको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, राइट, कि जब आप आओगे, मतलब एज कंपेयर इट्स यू आर गोइंग टू गेट अ टाइप ऑफ हॉस्टल वाइब, राइट, कि आपको एक तरीके से हॉस्टल वाइब आपको आएंगी। एंड ऐसा नहीं है कि यार कि सिर्फ आप यही फील करते रहें, है ना, कि यार मेरी तो बस सर्जरी हो गई, मैं तो हॉस्पिटल में बैठा हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि हमें फील होगा हॉस्पिटल में बैठे, नहीं, राइट, मतलब आपको फील होगा कि हाँ आप घर में बैठे हैं, आप पेशेंट से मिलेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, है ना, एंड आप हंसते खेलते हो, आपका वक्त निकल जाएगा कैसे ना कैसे। सो रिहैबिलिटेशन जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आपने यहाँ कराने से पहले और भी जगह रिसर्च किया था, गए थे आप वहाँ पे, जो ना आपने फैसिलिटीज वगैरह सब देखी थी, तो यहाँ की फैसिलिटीज और वहाँ की फैसिलिटीज में अगर कंपेयर करें आप, कि यहाँ पे आपको रिहैब पार्ट में अगर बताना चाहे कि क्या क्या मॉडलिटीज यूज करते हैं, उनके पास क्या इक्विपमेंट थे आपको दिखाने के लिए, या के पेशेंट को हम ये यूज करते हैं, उसके बारे में। सबसे पहली चीज तो आई डोंट थिंक कि मतलब इंडिया में कोई इस लेवल पे रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करता है, राइट, कि इस लेवल पे अगर आप देखोगे कोई नहीं करता है, मैंने जितना देखा है। अगर कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपको ऑफर करते हैं, वो इट्स जस्ट लाइक कि वो किसी जैसे मतलब छोटे मोटे उससे लोग, मतलब आप कह सकते हैं कि जो टाइप ऑफ गेस्ट हाउस फैसिलिटीज होती है उनसे टाई अप करके, एंड दे आर लाइक कि हाँ हम कर देंगे आपको, हम रिहैबिलिटेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट वो उस लेवल पर चीजें नहीं होती हैं। आपको समझना है एक इंडिविजुअल पेशेंट की टेक केयर करने में, एंड मतलब जब आप एक एज अ टीम, जब आपके पास 15-20 पेशेंट है तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। एंड रही बात जैसे इक्विपमेंट्स की, एंड जो प्रोफेशनल टीम है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, जैसे कि अभी जो यहाँ पर रिहैब में जो मशीन्स हैं, राइट, जो फैसिलिटी है, लाइक प्रॉपर आपको यहाँ पर एक जिम मिलता है। आई डोंट थिंक कि कोई किसी भी रिहैब में आपको एक प्रॉपर आपको एक प्राइवेट जिम दिया जा रहा है, मतलब यहाँ आपको जस्ट थिंक एक प्राइवेट जिम दिया जा रहा है, एंड व्हाट्स बेटर देन, मतलब उससे अच्छा क्या हो सकता है। बाहर मैंने नहीं देखा कि कोई भी दे रहा है, तो इंडिया में और कोई मतलब इस लेवल पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा जो मशीन्स हो गई हैं, हमारी जो थेरेपी मशीन्स हैं, राइट, जैसे PMS हो गई, स्टिमुलेटर्स एंड ऑल हो गए, राइट, एंड टगार, एंड मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीन्स ऐसी हैं, हेड की मैं नाम ऐसे नहीं ले सकता, राइट, बट बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो कि शायद बाकी रिहैबिलिटेशन में शायद नाम भी नहीं पता है उनका, एंड यहाँ पर वो आपकी ग्रोथ के लिए कि आप जल्दी रिकवर हो, आपकी रिकवरी फास्ट हो, उसके लिए वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है।